हाँ जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे खेला जाएगा कार्डिफ में, और हर किसी की ज़ुबान पे एक ही बात है कि जी पाकिस्तान की टीम आज इंग्लैंड के ना तजर्बाकार खिलाड़ियों के खिलाफ मैदान में उतरेगी। बात दरअसल ये है कि इंग्लैंड ने बहुत सारे अपने खिलाड़ी बुलाए हैं जो कि इन फॉर्म में रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका वहाँ पर T20 टूर्नामेंट चल रहा है, और इसके अलावा अगर बात की जाए उनके खिलाड़ियों की, ये इनमें से ज़्यादातर वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ PSL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ खेले थे, तो ये सारे फॉर्म में भी हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें, जेम्स वेंस हैं, साकिब महमूद PSL में जो कराची में मैचेस हुए थे उनमें टॉप विकेट टेकर भी थे, तो आप इजी नहीं ले सकते इंग्लैंड की इस टीम को। आप वही बात आ जाती है कि बहुत से लोग इस तैयारी में होंगे कि जी अगर थोड़ी सी भी ऊँच नीच हुई तो शोर मचा देंगे कि जो जी इंग्लैंड की इस टीम से भी पाकिस्तान हार गया, और इसके साथ साथ फिर वही बात आ जाएगी कि अगर कम मार्जिन से भी जीते तो लोगों ने कहना है कि लो जी अगर इस टीम से भी पाकिस्तान ने इतने कम मार्जिन से जीतना है तो फिर क्या फ़ायदा, और इस तरह की बातें होंगी। उसके बाद फिर पाकिस्तानी टीम के लिए बैड न्यूज़ ये है कि हारिस सोहेल सीरीज से बाहर हो गए हैं। वर्ल्ड कप बड़ा ज़बरदस्त खेले थे, फास्ट पिचेस पे इंग्लैंड में ख़ास तौर पर बड़ा अच्छा खेलते हैं, 2019 में बड़ा अच्छा खेले थे वर्ल्ड कप में भी, पाकिस्तान को उन्होंने साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 बना के दो मैचेस में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो पाकिस्तान का लग रहा है कि साउथ शकील को चांस दिया जाएगा, मे बी बॉलर्स में भी किसी नए बॉलर को चांस दिया जाए, या शायद अगर सीरीज जीतने के बाद शायद अब्दुल्ला शफीक को चांस दें, क्योंकि लग तो ये रहा है कि फ़खर जमान, इमामुल हक और बाबर आजम के टॉप ऑर्डर के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा। तो देखते हैं जी क्या बनेगा आज, लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि अगर कोई ऊँच नीच हो जाए तो बहुत ज़्यादा सर पे ना सवार कीजिएगा, थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा टीम को, और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इंग्लैंड हैज़ नथिंग टू लूज़, और जब आपके कोई प्रेशर नहीं होता आपकी टीम के ऊपर, आपके खिलाड़ियों के ऊपर, तो फिर वो खुल के खेलते हैं, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी वो खिलाड़ी हैं जिनके लिए अनएक्सपेक्टेड एकदम से कॉल आई है टीम में इंग्लैंड की, और मोराल उनका बड़ा हाई होगा, उनको पता है कि हम अंडर डॉग्स हैं, तो उनको कुछ ज़्यादा कहा नहीं जाएगा अगर वो हार के गए, लेकिन अगर वो जीत गए तो उनकी काफ़ी वाह वाह हो जाएगी। तो मज़े का मैच होगा, देखते हैं, बाबर आजम के पास चांस है, दो मैचेस में अगर 192 रन बनाए फास्टेस्ट टू 4000 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, तो देखते हैं क्या बनेगा।